हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बच्चों, मैं मनीष, टीम फिजिक्स CLC सीकर। आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी डिस्कस करने से पहले, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भले ही हमें फिजिक्स कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पूरे जोश जुनून के साथ मेहनत कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये बात आप मान कर चलो कि जब आप मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस अचीव करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो बच्चों, इसी जोश, इसी जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ आज हम लोग एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ये MTS 2 फिजिक्स मेन पैटर्न पेपर है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक ही करेक्ट आंसर्स हैं, जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आफ्टर वन रोटेशन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियल एक्सेलरेशन टू इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी। इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हम लोग मान लेते हैं at, ठीक है। at कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ घूमते हुए एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में यहां पर उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मान ली ये स्पीड v है, तो अगर आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ये लिखना चाहो तो आप इसको वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर v की बात करें, हम लोग v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी लिख सकते हैं, या ऐसा लिख दें v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, ध्यान देना बच्चों, यहां से हमें v स्क्वायर मिल गया, ये क्या हो जाएगा? 4πr इंटू at। वैल्यू को पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर के बदले 4πr इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओवर r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो रेडियल एक्सेलरेशन यही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है बच्चों। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप यहाँ डिवाइड में रख दो, ये 4π के इक्वल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लेनेट इज वी, अ टनल इज डग अलोंग इट्स डायमीटर एंड अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड into the tunnel from the surface of the planet, at the center of the planet the speed of the planet will be। ऐसा मान लें कि यह अर्थ है। Now a tunnel is dug about one of its diameter, एक diameter के along एक सुरंग जैसा यहां पर बनाया गया बच्चों, और यहां से एक particle को release करते हैं, वह center पर पहुंचेगा, कुछ ना कुछ velocity gain करेगा। हमें यह बताना है कि उसकी speed क्या होगी अगर एस्केप वेलोसिटी वी है। एस्केप वेलोसिटी को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r लिखते हैं। अब ये पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को ओ कंसीडर कर लो। ओ इज सेंटर ऑफ द अर्थ, तो या प्लेनेट है, तो ओ इस प्लेनेट का सेंटर है। तो बच्चों, ए पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच की एनर्जी इक्वल कर देते हैं। ए पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ओ पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ एम यू स्क्वायर मान लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, तो -3gm/2r ऐसा होता है सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम लोग अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस पार्टिकल को रिलीज किया है उसके मास को भी लिखना पड़ेगा, ये 2r, ठीक है। अब
स्मॉल एम तो सब में कॉमन ही है, कैंसल हो जाएगा, आप इसको इधर ले आओ। तो देखो 3/2 है माइनस 1, यानी कि 1/2 जी एम बाई आर बच जाएगा। 1/2 जी एम बाई आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, u की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। ये वेलोसिटी उसी वेलोसिटी के बराबर है जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर अर्थ के सॉरी प्लेनेट के चारों ओर इसके रेडियस से बिल्कुल पास, जो सरफेस है ना उसके बिल्कुल पास अगर रिवॉल्व कर रहा होता तब भी उसकी स्पीड यही होती है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर आ गई। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में वी से कंपेयर करना है, तो आप कह सकते हो कि ये रूट टू टाइम्स ऑफ यू है और यू की वैल्यू वी बाई रूट टू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो बच्चों इसमें एक सर्किट सा गिवन है, सर्किट का एक पार्ट है, अलग अलग रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेसिस्टर इज 48 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई विल बी, एक्स और वाई के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो बच्चों ध्यान देना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ये अगर 8 वोल्ट है, ये 8 ओम और 48 वोल्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 एम्पियर का करंट इस ब्रांच से होकर पास हो रहा होगा, ठीक है ना, आई इंटू आर, ये वी के बराबर होता है, देखो 8 इंटू 6 करोगे 48 हो जाए। अब क्योंकि 48 वोल्ट यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 48 होगा, दोनों पैरेलल में है ना, तो 48 यहां पर 24 ओम है, तो आप कह सकते हो यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, 24 × 2 48 होता है, तो टोटल करंट जो यहां से जाएगा वो 8 एम्पियर का करंट होगा, जंक्शन लॉ से ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों ये 20 30 और 60 ये सब पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट हम लोगों को फाइंड करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो बहुत सिंपल है, इस रेसिस्टेंस को आर मान लो, ये 2R है, अगर R और 2R पैरेलल में कनेक्टेड हो, ध्यान से समझना, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2R/3, सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। तो 2R/3 यानी ये जो डबल है इसको 1/3 कर दो, 60 का 1/3, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट 20 ओम आ जाएगा, उस 20 ओम के साथ ये 20 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 20 और 20 का 10 ओम आ जाएगा, हो गया, बिना कैलकुलेशन के हम लोग कह सकते हैं इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, 10। अब देखो ये 3 ओम ये 1 ओम सीरीज में है, तो हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये 3 ओम 1 ओम और 10 ओम सबके सब सीरीज में, और उसके साथ ये वाला सर्किट में ऐसे कर देते हैं, दो पार्ट बना रहे हैं, 3 ओम 1 ओम कितना 4 और प्लस ये 10, 14 ओम को एक तरफ लिख देते हैं। इसमें से टोटल करंट कितना आ रहा है, 8 एम्पियर का, और ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 48 वोल्ट पहले से गिवन है क्वेश्चन में, हम लोग इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं 8 × 14, ठीक है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 × 8 = 32 और 3 × 1 = 2 ऐसा आ जाएगा, तो 112 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 48 वोल्ट है। अगर आप नेट पोटेंशियल ड्रॉप की बात करो एक्स और वाई के अक्रॉस, तो ये आ जाएगा 160, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हैज एन एंगुलर मोमेंटम L1 एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम हैज एंगुलर मोमेंटम L2। दोनों देखो ग्राउंड स्टेट में है, ये भी ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट, यानी कि दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में है, और अगर हम लोग बोर्स पॉस्टुलेट की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, H/2π कांस्टेंट है,
दोनों के लिए n सेम है, इसका मतलब दोनों एंगुलर मोमेंटम इक्वल होंगे, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते बच्चों, ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन इट इज रिटन दैट इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फिंच कैन बी आइडेंटिफाइड। हम लोग सबको पता है बच्चों सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें तो हर एक पैटर्न जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज होते हैं, तो हर एक ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस या विड्थ की बात करें दोनों सेम होती है, इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कौन सा है और सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस कौन से। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि व्हाइट लाइट हम लोग यूज करें। जब व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो देखो बच्चों, यहां पर मान लो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, एक स्लिट यहां, एक स्लिट यहां, ये S1, ये S2। जब आप व्हाइट लाइट यूज करते हो तो इस सेंटर पे बिल्कुल ओ पॉइंट पर हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा व्हाइट कलर का, और उसके अलावा इधर कलरफुल पैटर्न मिलेंगे, फिर थोड़े और डिस्टेंस के बाद ये इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाता है। तो अगर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फाइंड करना हो, डिटेक्ट करना हो, तो हम लोग व्हाइट कलर को ही यूज करेंगे। अब चार ऑप्शंस में देखो, पहला क्या लिखा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी ग्रेटर होती है। ये ऐसा होता नहीं है बच्चों, सबकी इंटेंसिटी सेम, सबका विड्थ सेम होता है। यहाँ लिखा वाइडर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस, ये भी गलत है। यहाँ लिखा है नैरो, ना तो वाइडर होता है ना तो नैरोअर होता है, फ्रिंज विड्थ सेम होते हैं। बस हम लोग व्हाइट कलर का यूज करके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ रिंग इज 2 लैम्डा, -2 लैम्डा, लैम्डा एंड -लैम्डा रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग, हमें इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर ये आर्क है, देखो आप सबने पढ़ा होगा बच्चों, कोई भी आर्क हो, ये एक आर्क है, और अगर इसके सेंटर पे ये एंगल थीटा है, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2k λr sin θ/2, ठीक है। अभी इसको आप ऐसे देखो, ये एक आर्क ही है जिसके सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दोगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे √2k λr आएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, देखो इसके कारण, ध्यान से समझना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले इस डायरेक्शन में है, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है √2k λ, ये 45 डिग्री पर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा k λr और ये भी k λr। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना था, उसके बाद अब हम लोग ट्रिक यूज कर लेंगे। देखो ध्यान देना, यहां पर 2 λ है, यहां पर लैम्डा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग रिजल्टेंट ऐसे मान लेते हैं कि देखो इधर का लैम्डा, इधर का लैम्डा, दोनों का अगर आप इसमें लैम्डा प्लस लैम्डा इसको लिख दो, एक लैम्डा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो बैलेंस कर गया। अब बचा हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में आएगा वो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं k λr, और इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, -i-j, ठीक है। ये समझ में आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, एक तो लैम्डा था, दूसरा 2 λ था, माइनस करने पर हमारे पास k λr ही आएगा, जो अभी मैंने ट्रिक बताया। तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, बस ट्रिक से सॉल्व करना है। तो इसके दो कंपोनेंट आ गए i-j के टर्म में। सिमिलरली नाउ सपोज दिस पार्ट ऑफ द रिंग हैज चार्ज पर यूनिट लेंथ -2 λ,
दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस पार्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन। होगा क्या, यहां पर 2 लैम्डा है माइनस में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर सिर्फ लैम्डा है माइनस में, यहां पर 2 लैम्डा है माइनस में, यानी इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। माइनस करने पर यही टर्म आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं ई वन जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे ई टू के लैम्डा बाय आर, और डायरेक्शन देखो एक तो माइनस आई कैप दूसरा प्लस जे कैप, इन दोनों को आप प्लस कर दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बच्चों ये देखो जे कैप कैंसिल हो जाएगा, आई कैप वाला ट्वाइस हो जाएगा, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर माइनस आई कैप, और अगर आप k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो तो इस फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। आप बिना कुछ कैलकुलेट किए, इतना जो हमने कैलकुलेट किया उसके बगैर आप सिर्फ डायरेक्शन फाइंड कर लो तो भी आप आंसर बता सकते हो, है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, देखो बच्चों, अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग एट टी इक्वल्स टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप मास एम मान लो, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ बाय एम, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू प्लस एटी, यू तो जीरो है तो डायरेक्ट आप एटी लिख दो या एफ टी बाय एम लिख दो, एफ और एम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। देखो तो यहां पर वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम लोग बात करें और काइनेटिक एनर्जी और पावर है, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें बच्चों, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो जब आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी एक पैराबोलिक कर्व बनेगा और वो कर्व कुछ ऐसा होगा, है ना, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ वाला जो टर्म है कोफिशिएंट बोलते हैं वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और टी पॉजिटिव के लिए ये ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। अब सी तो इनकरेक्ट हो गया, डी में बात करें, ये पावर दिया हुआ है बच्चों, पावर होता है एफ डॉट वी, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं, एफ कांस्टेंट है, वी को ए टी लिख दे या एफ बाई एम टी लिख दे तो पावर टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिन से होकर पास होना चाहिए ग्राफ, या ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये दोनों गलत हो गया ए और बी। अब देखो किसमें लिखा है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1 तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या लिखा है, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न्ड इनटू अ सर्कुलर लूप, तो स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर लूप में पहले ऐसे बेंड करके सर्कुलर लूप बना दिया। अब लिखा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट इज एम द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, एम को हम लोग आई इंटू एरिया लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। देखो बच्चों लेंथ क्या है 2 पाई आर के इक्वल, तो आप आर को एल बाई 2 पाई भी तो लिख सकते हो ना, यहां लिख दें आई को इधर ले आओ, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमें एल फाइंड करना है तो 4 पाई को इधर ले आओ, एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एम ओवर आई, तो 4 पाई एम ओवर आई यानी कि स्क्वायर रूट में ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में 4 पाई आई लिखा है, उल्टा लिखा है, कई बार बच्चे जल्दीबाजी में थर्ड आंसर कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एड इक्वल्स टू 100 cos 6 इंटू 10 टू द पावर 8 टी प्लस 4x वोल्ट पर मीटर प्रोपगेट इन अ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन गिवन है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बाई के, वेव की बात करेगा, ट्रेवलिंग वेव है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में हो तो देखो ये ओमेगा आएगा, ये के आएगा, आप वैल्यू को पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 8 और के की वैल्यू है 4, तो ये क्या आप लिख सकते हो 3/2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और ये होता है C/V 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आप इसको C/2 लिख दो ना डायरेक्ट, ठीक है? तो इसके बदले हम लोग C/2 लिख दें, आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। टू कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू द बैटरी इज एज सोन इन द फिगर। तो ए और बी दो कैपेसिटर हैं, ये कनेक्टेड हैं। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं बच्चों, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 5 माइक्रोफेराड है, ठीक है? टोटल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 7 वोल्ट का है, ठीक है? चार्ज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये C1 ये C2, आप इक्विवेलेंट C फाइंड कर लो, 2 और 5 है ना, तो 2 और 5 के लिए 2 × 5/2 + 5 यानी कि 10/7 ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आ गया इक्विवेलेंट EMF, ठीक है? तो अब इसको EMF मान लो, जो चार्ज आएगा क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम होगा, Q इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू EMF लिख दें, तो 10/7 और इंटू 7 यानी कि 10 माइक्रो कूलम। ये तो बच्चों चार्ज मिल गया, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको Q/C लिख दें, यानी कि 10/2 ये आ जाएगा 5 वोल्ट, करेक्ट आंसर होगा 5, ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं यहाँ पर हम लोग 0 वोल्ट लिख दें या 18 लिख दें, यहाँ पर 11, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ अगर 0 लिखोगे तब यहाँ 18, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का पोटेंशियल जब तक फाइंड नहीं कर पाए तब तक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप या तो लूप लॉ यूज कर लो या जो हमने तरीका बताया इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, ऐसे सॉल्व कर सकते, ठीक है बच्चों? तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसमें क्या लिखा है। अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर मास एम हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, द रिंग इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज वर्टिकल, ठीक है ना? एक्सिस वर्टिकल है यानी रिंग ऐसे घूम रहा हुआ इस तरीके से, ठीक है? विदाउट फ्रिक्शन इन द स्पेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन, सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कोएक्सियल विद द रिंग एंड हैज रेडियस आर विच इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द रिंग। इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ dB/dt देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है और उसकी वैल्यू होती है R/2 dB/dt। समझ में आ रहा है ना? इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड लाइन्स होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं, तो ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है? अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले अगर आप इस रिंग की बात करो, इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया
वो किसके अराउंड, इसके सर्कमफ्रेंस के अबाउट, ठीक है ना, ऐसे। तो अब फोर्स लग जाएगा QE, यहां लिख दें फोर्स कितना हो जाएगा QE, और इस फोर्स के कारण ये रोटेट करना चाहेगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है R, कैपिटल R है, रेडियस ऑफ द रिंग तो कैपिटल R लेंगे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क आ गया, इसको हम लोग I इनटू अल्फा लिख देते हैं। बस हमारा काम हो गया बच्चों, ये रिंग है तो रिंग के लिए I के बदले एम आर स्क्वायर लिखेंगे, E की वैल्यू यहाँ गिवन है, Q के टर्म में आंसर करना है। अब आप वैल्यूज को पुट कर दो जहां लिखे, चलो यही लिखते हैं, छोटे छोटे लिख देते हैं ना, क्यू ई के बदले आर बाई टू, फिर एक और आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर डी बी बाई डी टी, और इसको हमें किसके इक्वल लिखना है बच्चों, इसको लिखना है एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा के इक्वल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू बाई टू एम डी बी बाई डी टी, ये हो जाएगा एल्फा, क्यू बाई टू एम डी बी बाई डी टी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें दो अलग अलग लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा। यू आर गिवन टू सर्किट्स एज शोन इन द फिगर व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ नैंड गेट, सिर्फ नैंड गेट की मदद से ऐसे दो गेट्स बनाए गए। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द टू सर्किट्स। यहां पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, नैंड गेट, और जब दोनों इनपुट को मिला दिया तो ये नॉट गेट बन गया। तो नैंड गेट में अगर आप, ये है नैंड गेट, उस पर नॉट गेट कर दो तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एंड गेट। बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि ये एंड गेट है। सेकेंड की बात करें, देखो यहां पर ए, यहां पर बी, यहां जो हमें आउटपुट मिलेगा ये ए का नॉट गेट मिलेगा, यहां पर बी का नॉट गेट मिलेगा। अब उसके बाद यहां पर उन दोनों का नैंड गेट है, यानी पहले एंड गेट फिर नॉट गेट, ये आ गया नैंड गेट। बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है बिना ट्रूथ टेबल के। हम लोग डायरेक्ट अब इसको ए प्लस बी, और ये और गेट का सिंबल है, यानी कि ये और गेट होगा, एंड गेट और गेट, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन, ठीक है बच्चों। देखो यहां भी और एंड लिखा है लेकिन ए के लिए और लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें लिखा है नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपोमेट्रिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, जो नियर पॉइंट है वो 25 के बदले कहां शिफ्ट हो गया, 75 सेंटीमीटर पे। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल द पर्सन टू रीड क्लियरली अ बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, यानी 25 सेंटीमीटर पे बुक को रखा है, उसका इमेज अगर 75 सेंटीमीटर पे बने तब वो पर्सन उस बुक को क्लियरली रीड कर पाएगा। यानी हमें सिंपल यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि U की वैल्यू कहां रखनी है, 25 पर, जहां पे बुक को रखना है, उसका इमेज कहां बनना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। अब हम लोग उसके पावर की बात करते हैं, पहले फोकल लेंथ फाइंड कर ले बच्चों। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो सिंपल कह सकते हो हाइपोमेट्रिक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये तो होगा नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर मायोपिया होता तो फिर कॉनकेव लेंस यूज करते, पावर नेगेटिव हो जाता। अब अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, आप 1 बाई वी के बदले लिख दो 75, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 एलसीएम हो गया 75 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि 2 बाई 75, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो फोकल लेंथ है, हम अगर पावर की बात करें ना बच्चों, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको डायोप्टर में लिखने के लिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अगर आप ऐसे लिख दो,
अब फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 75/200 मीटर हो जाएगा, पावर 200/75 उल्टा लिख दिया है। सॉल्व करना है बच्चों, 25 से ये 3 और ये 4 टाइम्स में कैंसिल होता है, 8/3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.67 आ जाएगा, पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस क्वेश्चन इट इज रिटन दैट इन अ स्टेशनरी वेव इफ द एम्पलीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू एंटी नोड इज ए, देन द एम्पलीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू अ मीडियम पार्टिकल एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड इज। ध्यान से समझना बच्चों, अगर स्टेशनरी वेव है, ऐसे हम लोग बात करें, यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड, इस जगह क्या आता है एंटी नोड, और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ से यहाँ तक के बीच इस जगह बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखो बच्चों, दो कंसेक्यूटिव नोड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। अगर कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड है, ठीक है ना, एक नोड और उसके ठीक बाद का एंटी नोड, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये लैम्डा बाई 4 होता है। अब उसका मिड वे ये पॉइंट की बात करें तो ये लैम्डा बाय 8 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, ये x एक्सिस, तो इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट लैम्डा बाय 8 हो जाएगा। अब अगर स्टैंडिंग वेव में हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें, x इक्वल्स टू 0 पर नोड है तो एम्पलीट्यूड ऐसा हो जाता है, एम्पलीट्यूड को हम लोग a डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, a साइन kx, इस फॉर्म में आता है बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, ये a डैश फाइंड करना है, और a डैश फाइंड करने के लिए यहाँ k तो 2π/λ है, x की वैल्यू λ/8 पुट कर दो और सॉल्व कर लो। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, π/4 यानी 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री 1/√2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में लिखा है, अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 6×(t−1) वेयर टी इज इन सेकेंड। इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, क्या लिखा, इनिशियली एट ओरिजिन, सॉरी रेस्ट नहीं, इनिशियली एट ओरिजिन and moves along positive x-axis with initial velocity of 2 meter per second, then which of the following curve may represent the motion? Here x is displacement, v is velocity, and a is obviously acceleration. ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग acceleration ही check कर लेते हैं। a किस form में दिया हुआ है, 6t−6, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, यानी ग्राफ ऐसे बनना चाहिए नेगेटिव इंटरसेप्ट, इसमें ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, सेकेंड ऑप्शन गलत है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ गलत दिया है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें वेलोसिटी का एक ग्राफ है और दो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हैं, इन दोनों को चेक करना है। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ब्लैंक स्लाइड ले लें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6×(t−1), इनिशियल वेलोसिटी 2। बस इतना ही लिखा है, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी वी नॉट है और ये 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसको हम लोग dx/dt लिख देते हैं, सॉरी dv/dt। dv/dt इनिशियल वेलोसिटी 2, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं,
तो v माइनस टू इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर बाय 2, जिसको 3t स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस 6t। अपर लिमिट पुट करने पर यही होगा और लोअर लिमिट 0 है, पुट करने पर ऐसा आ जाएगा। यानी v की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2। देखो ये एक पैराबोलिक कर्व तो होगा, लेकिन टी स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो वी स्क्वायर का जो ग्राफ, वी का जो ग्राफ बनेगा टी के साथ, वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, कॉनकेव अपवर्ड। जबकि जो ग्राफ दिया वो नीचे दिया है, अगर आपको ध्यान हो, अभी ऑप्शंस फिर से हम लोग देखेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, यानी ये वाला ग्राफ गलत है। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ गलत हो गया, वेलोसिटी का ग्राफ गलत है, दो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ दिया है, चेक करना है कौन सा सही है। तो इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, dx by dt ये हो जाएगा 3t square minus 60 plus 2। ये t लिखा है, ठीक है, लोअर और अपर लिमिट लगा दिया, इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, अपर लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट लगा दो, एक्स माइनस जीरो एक्स। यहां पर भी अगर आप इंटीग्रेट करे हो तो 3t³/3 आएगा, 3 से 3 कैंसल, t³। दूसरा क्या है, 6 into t² / 2, 2 से कैंसिल होकर 3 बचेगा, 3t², फिर नीचे यहां पर 2t, ठीक है, बस इतना ही आया। अपर लिमिट पुट करोगे यही आएगा, लोअर लिमिट है 0, तो 0 पुट करने पर ये 0 है, अगर आप 0 पुट करोगे सब 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। इसमें से अगर t कॉमन ले लें क्या बचेगा, कुछ ऐसा, और फैक्टराइज कर दें तो ये t - 1 × t - 2 है। यानी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे x का t के साथ, तो तीन जगह x 0 होगा, एक t इक्वल्स टू 0 पर, एक 1 पर, एक 2 पर, 0, 1, 2, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें साइन की बात करें, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो पहले हम लोग, क्योंकि कोई रूट, तीन रूट आए, देखो एट, ऐसे लिख दें, इफ x इक्वल्स टू 0 देन t मे बी 0, 1, 2, तीन रूट्स आए, कोई रिपीट नहीं हो रहा। आप x की कुछ एक वैल्यू पुट करके देखो साइन क्या आता है, फिर अल्टरनेट इंटरवल में अपोजिट साइन आता जाएगा। यानी कि अगर जैसे मान लो 3 पुट करते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जो भी अप एंड डाउन मोर एंड लेस इस तरह का शेप होगा। अब जरा चेक करें हम लोग, देखो कुछ ऐसा ही ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही रूट आ रहा है ना, एक ही, एक तो x इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर, डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा एक और रूट आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या था, x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, 1, 2, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, है ना, करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अब इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एट द हाइएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इंटू 2 parts ऑफ मास रेशियो 1:3, द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर हेवियर पीस लैंड्स विल बी। सबसे पहले हम लोग ये मान लें कि ये एक्चुअल पाथ था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, ये ठीक मिड पॉइंट, यहां पर ये डिस्टेंस r/2। अब इस जगह प्रोजेक्टाइल दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट रेस्ट में आ गया, तो सीधा यहां गिर जाएगा,
रेशियो 1:3 है, तो हम लोग मान लें एक ऑब्जेक्ट का मास m था, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 3m, ठीक है ना। लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां लैंड करेगा, इसी पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस है r by 2, इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं m1r1 = m2r2, यानी कि m into r1 के बदले r by 2 लिखो equals to 3m into x, तो x की वैल्यू आ गई r by 6। अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, r plus r by 6। यानी 7r by 6, ठीक है बच्चों। अब r की वैल्यू अगर फाइंड करना हो, देखो वेलोसिटी गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये दिया हुआ है 7/6, हम लोग लिख सकते हैं 2 × ux uy / g। ux की वैल्यू 100 है, cos 37 लेंगे तो 100 cos 37 आ जाएगा 80, और uy आ जाएगा 100 sin 37 यानी 60। अब वैल्यू को पुट कर दो, 7/6 × 2 × 80 × 60/10, तो ये 60 कैंसल। अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो इसके अप्रोक्स आएगा, 1120 के अप्रोक्स, सॉल्व करके आप देख लेना, 160 और 7, अगेन एग्जैक्ट 11, ये 11 लिखा है, 1120 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों। 17 में क्या लिखा है, अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर स्पीड v कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल। स्मूथ है, ये पॉइंट का ध्यान रखना बच्चों। The speed of the sphere after which it has started pure rolling in backward direction will be, wall यहां पर smooth है, ठीक है। तो पहले मान लो ये इस तरीके से ऐसे roll करते हुए v है, यहां पर ये v by r है, roll करते हुए टकराया, ठीक है। ये wall जो है ये तो smooth है, तो इसके rotational motion में फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सिर्फ इसकी जो स्पीड, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन के ठीक बाद का जो सिचुएशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। स्पीड तो v रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अभी भी v बाई r ऐसी होगा। अब देखो यहां पर जो फ्रिक्शन है, इस सरफेस पे तो फ्रिक्शन होगा ना, ये तो रफ सरफेस है, तो इसके कारण वापस बाद में ये प्योर रोलिंग मोशन होगा। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहां पर अगर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर ले, मान लो इस पॉइंट को P, तो P पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो, क्योंकि इसी से होकर पास हो रहा है, एमजी और नॉर्मल का टॉर्क इक्वल और अपोजिट, यानी कह सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, यानी इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो पहले ये इधर जा रहा है, एक एंगुलर मोमेंटम एम वी आर मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, ये उल्टा घूम रहा है, आई ओमेगा नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर है, आई को 2/5 mr² लिख देते हैं, और ओमेगा के बदले है वी बाय आर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप डायरेक्शन की बात करो बच्चों, देखो ध्यान देना, यहां से ऐसे पोजीशन वेक्टर इधर, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, या आर क्रॉस वी लिख दो, एम तो स्केलर क्वांटिटी है, यहां से पोजीशन वेक्टर इधर, वी इधर, आर क्रॉस वी इधर आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, जबकि ये घूम रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो एंगुलर मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण जो आप कह लो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, लेकिन बाद में जब ये घूमते घूमते यहां और आगे चला गया और प्योर रोलिंग का मोशन है, तो जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी एम वी आर का टर्म होगा,
रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होगा, दोनों को प्लस लिखेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है, अब तो सिंपल हो गया। मान लें कि फाइनल वेलोसिटी v नॉट है, तो हम लोग इसको लिख देंगे एम वी नॉट आर प्लस यहाँ पर 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू वी नॉट बाई आर। हमें क्या फाइंड करना, वी नॉट फाइंड करना है ना, तो एक काम करो, m सब में कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल कर देते हैं। ये कितना 3/5 एम वी आर और यहाँ पर 7/5 एम वी नॉट आर, एक r कैंसिल करेंगे ना, सब कट गया। क्या गया 3v/7 और 3v/7 किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा है 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस वेयर प्रेशर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन पी नॉट एंड वी नॉट आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन वी इक्वल्स टू वी नॉट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, v के बदले v नॉट यहाँ पुट कर देना है। जैसे ही आप पुट करोगे p की वैल्यू हो जाएगी p नॉट बाय 1+1 का स्क्वायर यानी p नॉट बाय 2, प्रेशर मिल गया। ठीक है, 1 mole दिया हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग लिखते हैं n r t इक्वल्स टू p v। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम पुट कर देंगे, क्या चाहिए, टेम्परेचर पी वी बाई एन आर, प्रेशर है पी नॉट बाई 2, देखो वॉल्यूम क्या है वी नॉट, एन के बदले 1 और आर, तो ये आ गया पी नॉट वी नॉट बाई 2 आर, पी नॉट वी नॉट बाई 2 आर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या लिखा है, अ प्रोसेस ए बी सी डी, ए बी यहां से ए बी सी और फिर यहां से डी, हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन एन आइडियल गैस एस सोन इन द फिगर, द प्रोसेस सी डी इज डिफाइंड बाय प्रेशर इक्वल्स टू के वी स्क्वेयर, वी वॉल्यूम है, के कांस्टेंट है, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर एट ए इज टी नॉट, यहां पर टेम्परेचर टी नॉट है तो डी पॉइंट का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इस पॉइंट पर टेम्परेचर टी नॉट, ए पॉइंट पर, ए से बी तक आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम डबल हो गया, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, अगर आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो टेम्परेचर भी डबल, बी पॉइंट का टेम्परेचर 2T0। फिर से देखो, अब बी सी की बात करते हैं, बी से सी तक जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर हाफ हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, अगर आप प्रेशर को हाफ करते हो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, ये पहले 2T0 था, सी पॉइंट पर टेम्परेचर उसका हाफ यानी T0 रह जाएगा। अब सी से डी के लिए बात करते हैं, प्रेशर के वी स्क्वायर है, हम लोग लिखते हैं आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर के बदले अगर आप के वी स्क्वायर लिख दो तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, वी क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, बस अब देखो, वॉल्यूम दोनों जगह का पता है ना, सी पॉइंट पर वॉल्यूम ग्राफ से 2V0 और डी पॉइंट का 3V0, यहां का टेम्परेचर पता है, डी पॉइंट का टेम्परेचर पता नहीं, तो हम लोग ऐसे लिख दें, यहां पर पहले सी पॉइंट के लिए 2V0 फिर इस जगह 3V0 क्यूब, फिर टेम्परेचर सी पॉइंट का और टेम्परेचर डी पॉइंट का। ठीक है ना, V नॉट से V नॉट कैंसल हो गया, टी डी इस तरफ ले आना, ये 8 नीचे जाएगा, 27 ऊपर आएगा, 27/8 हो जाएगा और T नॉट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आर इक्वल्स टू आई प्लस टू जे कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप ए कॉस ओमेगा टी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। सिंगल फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात है, ये SHM में है, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। पहले मैं आपको बता दूं कि आई कैप प्लस टू जे कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप इस डायरेक्शन में SHM में होगा, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। और ए, अगर हम लोग इस डिस्टेंस को ए मान लें, ये वाला डिस्टेंस 2a, तो टोटल इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5a। इनिशियली अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा और पार्टिकल ऐसे SHM में होगा, ठीक है। अगर हम लोग फोर्स को पोजीशन यानी r के प्रोपोर्शनल बता दें, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, तो बहुत सिंपली हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। वैसे ये थ्योरी में ही पढ़ते हैं कि डायरेक्ट इसका आंसर SHM है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं, इलिप्स है, यूनिफॉर्म है या नहीं, आप सब चेक कर सकते हो। देखो ध्यान देना, ये तो समझ में आया ना, डायरेक्ट आंसर, सॉरी डायरेक्ट आंसर आप इसका फोर्थ लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूं। देखो बच्चों, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस टू जे कैप ए कॉस ओमेगा टी। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी माइनस ए ओमेगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, साइन ओमेगा टी। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा एक और ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप अलग कर दो तो बचा हुआ जो भी टर्म है, देखो आई कैप प्लस टू जे कैप ए कॉस ओमेगा टी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया है, इसका मतलब ये SHM में होगा। SHM में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड गलत है, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, यानी सिर्फ एक आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आ गए, 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रेडियस दिया है रेस्पेक्टिवली, इज कट टू फॉर्म अ रेसिस्टर, ठीक है। लेंथ और रेडियस दिया है, इसका एक रेसिस्टर बनाया जा रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस फाइंड करना है। अज्यूम दैट रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज नोन टू बी नोन वेरी एक्यूरेटली, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो में कोई एरर है नहीं, आप इसको एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लिख दो। अब एरर का कॉन्सेप्ट अगर लिखे तो डेल्टा आर बाय आर को डेल्टा एल बाय एल प्लस टू डेल्टा आर बाय आर लिखेंगे। मैक्सिमम के लिए प्लस ही साइन होता है, सब क्या सब सेम साइन का होना चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में मिल जाएगा। देखो ये डेल्टा एल बाई एल यानी 0.2 by 10, 0.02 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2, डेल्टा आर है 0.01 और डिवाइडेड बाय 1, 0.01, ये कितना आया 0.014 आएगा, 0.04, ठीक है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, 4%।
हमें परसेंटेज चाहिए तो आंसर आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या लिखा है, इन द फिगर शोन अ थिन लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म डिस्क। ये एक डिस्क है और इस डिस्क के चारों तरफ एक स्ट्रिंग लिपटा हुआ है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू द सीलिंग एंड द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट एंड द अदर एंड इज रैप्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क। ये डिस्क के ऊपर है। एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ द लिफ्ट इज सच दैट द सेंटर ऑफ डिस्क डज नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई जी, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन पुलिंग। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जा रहा है लेकिन ये जो डिस्क है वो वहीं पर घूम रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ऊपर की तरफ टेंशन मान ले टी, नीचे की तरफ एम जी, ठीक है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है और जो डाउनवर्ड फोर्स है दोनों इक्वल होंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने पर। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें स्यूडो फोर्स लेने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग इस फ्रेम से देखें तो स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए ग्राउंड से देख रहे हैं, ज़्यादा ईजी होगा बच्चों। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी टेंशन ऊपर नीचे एम जी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये इसका सेंटर एक्सेलरेटेड नहीं है लेकिन रोटेशन तो है। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होगा, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये टॉर्क होता है आई एल्फा। अगर डिस्क दिया है तो आप इसको आई को एम आर स्क्वायर बाई टू लिख दो और कहीं ये देखो स्लिप नहीं हो रहा है तो एल्फा को ए बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा काम। एक ये आर से एक ये कट जाएगा, एक ये आर से कट गया तो टी आ गया एम ए बाई टू। इसको आप यहाँ एम जी लिख दो, एम जी एम ए बाई टू है, इसका मतलब 2 इक्वल्स टू ए बाई जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर ये गिवन है। ठीक है, ऐसा है। अब ध्यान दो क्या लिखा है, 70 कैलोरी ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम गैस थ्रू सेम रेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी। देखो, पहले 70 कैलोरी है, 70 ही लिख देते हैं बच्चों। तो क्या लिखते हैं, 70 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 2 इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। सी पी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा टी गिवन है, देखो 5 आ जाएगा ना, तो 5 टू जा 10, 10 से एक जीरो कैंसिल, सी पी की वैल्यू 7, ये इसका यूनिट ऐसा ही होगा। अब सी पी माइनस सी वी क्या होता है, R के बराबर, तो CV को हम लोग CP माइनस R लिख सकते हैं, यानी ये 7 माइनस 2 5 आ गया, हमारा काम हो गया बच्चों। हमें क्या फाइंड करना है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसी को हीट कर रहे हैं तो कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एन सी वी डेल्टा टी, 2 इंटू 5 इंटू डेल्टा टी फिर से 5 है तो 25 इंटू 2 50 कैलोरी। हमें कैलोरी में ही आंसर चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 50। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, अ कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 12 वोल्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ मैसेज सिग्नल, व्हाट शुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
in order to have modulation index 75%. मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल, इन दोनों का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होता है इसका रेशियो, इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं बच्चों। ए एम हमें फाइंड करना है, जबकि कैरियर वेव के लिए ये 12 दिया हुआ है। 75% का मतलब 75/100 है, आप इसको 3/4 लिख दो, 4 से 3 टाइम्स में कट गया, 3 × 3, ये ए एम मिल जाएगा 9 वोल्ट्स। वोल्ट में बताना है आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, ये सॉरी 4th भी सॉल्व हो गया, हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल इज डबल्ड इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस हमें बताना है इन सेंटीमीटर। देखो बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी पहले पेन ले लें, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा म्यू एम जी, और यहाँ पर ये एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स तो यही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब एम को तो हटा दो, ओमेगा स्क्वायर आर ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ये म्यू इंटू जी के बराबर है। अब अगर आप ओमेगा को डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस हमें 1/4 करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, म्यू और जी बदल नहीं रहा, ओमेगा 1 स्क्वायर r1 ये स्क्वायर नहीं है, इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2, यहां पर ये ओमेगा है और r के बदले 4 सेंटीमीटर दिया था, ये 2 ओमेगा है r2, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, r2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, ये हो जाएगा 1। तो बच्चों ये था आज का सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, उतने ही ट्रिक्स आपको समझ में आएंगे और फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बच्चों आपके सक्सेस की कामनाओं के साथ आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।